नमस्कार आदाब, आप सभी का स्वागत है सीआईबी इंडिया न्यूज पर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। खबर आजमगढ़ जिले से है, जहां पर आज दर्जनों की संख्या में पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचे महिलाओं और पुरुषों ने जमकर हंगामा किया। ये लोग जनपद आजमगढ़ के थाना कोतवाली अंतर्गत ग्राम कोलघाट के निवासी हैं। पीड़ितों का आरोप है कि रात्रि के करीब 12:30 पर घर के बगल के सोनू यादव और स्कूल के बगल के उनके साथ गोलबंद साथियों सहित उनके घर पर धावा बोल दिया गया। पीड़ित महिला ने बताया कि उसके पति दिलीप पुत्र विजयी को दबंगों ने जमकर मारा पीटा। इस दौरान उन्हें धमकी देने के भी आरोप लगे। महिला ने कहा कि मेरे दो खच्चरों को भी मारा गया है, जबकि एक खच्चर की आंख मारकर फोड़ दी गई है। पीड़ितों ने बताया कि इस घटना की सूचना हम लोगों ने रात में थाने पर दी थी। आरोप है कि इतने पर भी दबंगों का मन नहीं भरा तो अगले दिन पीड़ित के साथ मारपीट कर दी। आई लिया कि हमके हमारे घर में घुस के मारत हमारे लोगन पीटा था, पी खा के आवत हमें घुस जात हमारे घर में ले आ जब जात हमें तब मारत हमें पी खा तो लोग जुआ खेलत में धरा पियत हमें आ हमारे जानवर के मारत हमें घर में घुस के कवाड़ी वाड़ी सब तोड़ तार दे हमारा आदमी घर में से निकालना तो हमारे आदमी मारे लगना। कुछ मामला ना अनेसा में झगड़ा होता अपने में का करत हो का आने से आवत हो सबके मार के निकल जात हो हमर जानवर के भी मार देले हम आग दोनों फूट गए थाने पे गई थी। हाँ सब गए थाना पुलिस यहाँ एसपी केन गए यहाँ का ना बस अड्डा केन गए नहीं कहीं तीन दिन से दौरान सुनवाई ना होता हमारे। वही कोलबाज बहादुर के राजशाही नामक युवक ने बताया कि हम सब मिलकर मूर्ति का भंडारा कर रहे थे, तभी दबंग वहां आए और बच्चों को कट्टा दिखाकर आतंकित करने लगे। उसके बाद सूचना मिलने पर हम सब ने भंडारा बंद करके सबसे पहले कोतवाली पहुंचकर इसकी सूचना दी। कोतवाली में प्रार्थना पत्र देकर हम वापस चले गए। इसके बाद एक दबंग फिर आकर मुझे धमकाने लगा। राजस्थानी का आरोप है कि उक्त धमकी देने वाला युवक पहले भी हत्या कर चुका है। इसके बाद सूचना पर पहुंची पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उस युवक का नाम आशीष जायसवाल बताया गया है, उसके साथ ही मौके से फरार बताए जा रहे हैं। पीड़ितों का आरोप है कि यह मनबड़ अक्सर उन लोगों को परेशान करते रहते हैं। राजन सानी बोल रहा हूँ कुलबाज बहादुर से। रात में हम लोग कानर अपना मूर्ति का भंडारा कर रहे थे, वो सब आकर वहाँ पे दो तीन छोटे छोटे बच्चे लगाए थे दो जगह मूर्ति, उन लोगों को वो लोग मारने लगे, कट्टा उट्टा दिखा रहे थे, चार पांच लोग को सटाए थे। फिर वहाँ से हम लोग को बात पता चली तो भंडारा बंद करके हम लोग कोतवाली आए थे। कोतवाली से यहाँ से लिखवा खुवा कर गए थे। फिर रात में एक लोग आया था, हमको धमकी दे रहा था कि तुम कानवे एफ आई आर कराए हो हमारे नाम पे, तो वो एक बार मर्डर कर चुका है इसलिए दोबारा आकर हमको रात में अकेले थे हम वहाँ पे दुकान पे आकर कहा है, तब फिर जाके हम अपना उसको पकड़वाए हैं। पुलिस आई थी, प्रशासन उस समय हमारा सहयोग की थी, पकड़ के उसको ले गई है। उसका नाम है कानर आशीष जायसवाल था और दो तीन लोग थे वो सब भाग गए थे और मिट्ठू थे। मिट्ठू हम लोग के लिए इंसाफ चाहिए कि दोबारा ऐसी गलती मत उन लोग से हो, एक बार की नहीं हर त्यौहार हर दिन ये लोग करते हैं, हर महीने दो महीने पे एक बार हो जाए, शादी ब्याह में भी लफड़ा ये लोग कर देते हैं आकर। ये लोग हमारे यहाँ ना आए, हम लोग इनके यहाँ ना जाए, बस यही बात है और कोई हम लोग को नहीं है। बस आप हम लोग को इंसाफ चाहिए और कोई बात नहीं है।